Hello guys, welcome to Shifting Gears. I am riding the TVS Apache RTR 204V Race Edition. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे if this bike has vibrations. अभी तो मैं एक standstill पे हूँ, but let's check out if on standstill there are vibrations. और फिर थोड़ी बहुत bike चला के फिर हम लोग find out करते हैं if this vibrates, if it is acceptable, या फिर vibrations इतने ज़्यादा हैं कि शायद आप uncomfortable feel करोगे इस bike पे. Let's fire it up first. तो ये देखिए अभी आइडलिंग पे देर आर नो वाइब्रेशंस एट ऑल. यहाँ पे टैंक एरिया पे कोई वाइब्रेशंस नहीं है. मेरी थाई यहाँ पे जहाँ पे साइड पैनल पे टच हो रही है वहाँ पे भी मुझे कोई वाइब्रेशन फील नहीं हो रही है. द हैंडल बार, इफ़ आई कैन शो यू, लुक एट दिस, ऑन द हैंडल बार ऑल्सो देर इज़ नो मूवमेंट और वाइब्रेशन दैट इज़ फेल्ट. बट दिस इज़ एट आइडलिंग स्पीड, इज़न्ट इट? नाउ लेट्स जस्ट एक्सेलरेट दिस अ लिटल एंड चेक इफ एट हायर आरपीएम्स वाइब्रेशंस फील होते हैं इस बाइक पे. तो ये देखिए एट अराउंड 3000 RPM आपको थोड़ा बहुत बज़ फील होता है, बट दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, राइट? जब आप आइडल पे गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे तो थोड़ा बहुत तो वाइब्रेशन आपको फील होगा ही, बट थिंग्स आर वेरी मच इन कंट्रोल. पुराने TVS Apache बाइक्स पे बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया था कि वो बाइक्स वाइब्रेट होती हैं, बट दिस Apache RTR 204V इज़ द बेस्ट बाइक दैट दे हैव बिल्ट. ये उनकी फ्लैगशिप बाइक नहीं है. द फ्लैगशिप बाइक ऑब्वियसली नाउ इज़ द Apache RR 310, but the TVS Apache RTR 204V is a very good motorcycle. Abhi chaliye thodi bahut bike chala ke dekhte hain if this motorcycle has vibrations or it doesn't have any problems at all. जैसे ही आप बाइक चलाना शुरू करते हो, आप अगर पुरानी TVS Apache बाइक चला चुके हो तो यू विल नोटिस दैट ऑन द न्यू रेंज ऑफ मोटरसाइकिल, ये जो नई TVS Apache बाइक्स TVS ने बिल्ड करी हैं, इनमें वाइब्रेशंस बहुत नोटिसिबली कम है. सबसे पहले तो जो आप प्रोमिनेंटली सुन सकते हो वो है इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट. इंजन इंडक्शन साउंड बहुत कम है और सबसे अच्छी एग्जॉस्ट नोट वाली ये मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है इन द 200cc क्लास. अभी चलिए बात करते हैं अगर वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा वेल कंट्रोल्ड है. अगर आप इंजन के रेव्स जो हैं, फॉर एग्जांपल, अगर आप उन्हें 7000 RPM से ज़्यादा ऊपर लेके जाते हो तभी थोड़ा बहुत बज़ फील होता है आपको, बट दैट इज़ नॉर्मल इन दीज क्लास ऑफ मोटरसाइकिल्स. लेकिन ओवरऑल वाइब्रेशंस की अगर बात करें, अगर आप सिटी में इस बाइक को कम्यूट कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशंस की इशू नहीं होने वाली है. हैंडल बार पे आपको बिल्कुल बज़ फील नहीं होता है. फुटपैक्स पे भी एकदम मिनिमम बज़ फील होता है जब आप इसकी इंजन को बहुत ज़्यादा रेव करते हो. एंड इवन दो द टैंक हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर पैनल्स, 3-piece फ्यूल टैंक है, उसके बाद आपकी जहाँ पे थाई एरियाज रेस्ट होते हैं वहाँ पे भी आपके साइड पैनल्स को आपका पैर टच होता है, वहाँ से भी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होते हैं. ऑल्सो एक और चीज़ जो बताती है आपको कि इसमें वाइब्रेशंस कम है वो ये है कि भले ही इतने सारे प्लास्टिक और फाइबर पार्ट्स यहाँ पे है, उनमें से वाइब्रेटिंग साउंड भी आपको नहीं आता है. सो दैट क्लियरली इज़ अ गुड साइन कि इस बाइक में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द ओल्ड TVS Apache मोटरसाइकिल्स, जिसके बारे में लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट किया था बैक इन द डे, बट नाउ दीज बाइक्स आर प्रीटी मच परफेक्ट. तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा एक्सटेंड नहीं करेंगे. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई एम गोइंग टू स्टिक आउट माई नेक एंड से दिस कि इस बाइक में आपको सिटी कम्यूट्स के लिए, अपने रेगुलर हाईवे जर्नीज के लिए, जब आप ऑफिस को जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो तभी आपको इसमें वाइब्रेशंस की इशू नहीं होने वाली है. आई रियली लाइक द वे दिस बाइक हैंडल्स, काफ़ी लाइट और निम्बल इसकी हैंडलिंग एबिलिटीज़ है. देखिए कितनी आसानी से टर्निंग हो जाती है, कितनी आसान है फ्लिक करने को. तो ये बाइक आपको सिटी में बहुत एंजॉयबल होने वाली है एंड यू विल नॉट रियली हैव एनीथिंग नेगेटिव टू से. ऑफकोर्स अगर आपको इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है, लंबी जर्नीज पे जाना है, तो एक 6th गियर शायद अगर TVS ने दिया होता इट कुड हैव बीन बेटर, बट देन दैट इज़ विशफुल थिंकिंग. सेगमेंट के लिए ये बाइक जितना परफॉर्मेंस आपको डिलीवर कर रही है दैट इज़ नॉट रियली बैड एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल. So let me know in the comments below what you think about the TVS Apache RTR 204V Race Edition. क्या ये बाइक आप खरीदोगे? क्या आपको ये बाइक पसंद आई? क्या लगता है आपको? If you have test driven this motorcycle before, आपको क्या इसमें vibrations की issue लगी या नहीं लगी? And are these vibrations, अगर आपको feel हुए हैं, really good enough to make or break the deal? Till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. Always wear full riding gear and do remember to follow lane discipline. Hamesha turn indicators dikhaiye and ride safe.